जी हमारे पास 52 से भी ज्यादा आइटम है। इसमें हमारे पास खाने के भी आइटम है, फ्रोजन के भी आइटम है और उससे भी ज्यादा आइटम है। उसके अंदर चिकन स्टीक है, चिकन का कबाब है, चिकन का चिलोज है, मक्खन है, दाल है, चावल है, अचार है, सलाद है, कस्टर्ड है, रायता है, पापड़ी है। ये 10 आइटम देते हैं हम इसको 400 रुपये में। अब आप ऑफर का कह रहे हैं तो हमने जितने भी हमारे ये फ्रोजन के आइटम है जो हम बेचते हैं इसके अंदर हमने एक ऑफर लगा दी है कि आप जो भी हमारे पास एक फ्रोजन का आइटम खरीदेंगे तो हमने इसके अंदर 1 दर्जन वॉन्टन फ्री कर दिया। ये 52 फूड्स जो थाली रेस्टोरेंट है ना, ये हमारा नाम है जो FBR में भी रजिस्टर है और हमारी को ये हमारे पीर साहब की तरफ से इनायत हुई थी कि भाई आप ये नाम रखें, जिसकी वजह से ये कारोबार में हमारे बरकत है। जी हमारे पास 52 से भी ज़्यादा आइटम है। इसमें हमारे पास खाने के भी आइटम है, फ्रोजन के भी आइटम है और उससे भी ज़्यादा आइटम है। इसमें हमारे बोरी कम्युनिटी में खाने का आइटम एक बहुत ज़्यादा जो फेमस है, जो आप लोगों में भी है, वो है बोरा चिकन। बोरा चिकन सबसे ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद हमारी एक बोरा बिरयानी है जो ज़ाफरानी बिरयानी बनती है मटन के अंदर, वो मशहूर है। उसके अलावा एक मटन लेग होती है हमारे पास, वो मशहूर है। हमारे पास एक समोसा होता है मटन का, वो भी मशहूर है। हमारा बोरा कम्युनिटी में मशहूर, आप लोगों में कम्युनिटी में तो है ही, लेकिन आप आवाम में भी जो है ना वो मशहूर है। भाई देखें अभी हमारा जो थाली रेस्टोरेंट जो चल रहा है, हमने भी इसके अंदर कोई इतने कोई खास पैसे भी नहीं बढ़ाए पिछले साल के मुकाबले, जबकि चीज़ें सब चीज़ें डबल हो गई है। अभी भी वो ऐसा मुनासिब हमारे पास कीमत है कि 450-450 रुपये में जो है ना माशाल्लाह खाना खा लेता आदमी और पूरी थाली भर के खाना देते हैं। उसमें कभी कभी कोई 2 जने भी खा लेते हैं तो उसको भी हम रिफिल भी कर देते हैं, तो 2 जने भी खा सकते हैं। लेकिन हम ये कहते नहीं कि 2 की थाली है, 1 आदमी की थाली, लेकिन वो अगर वो शेयर करके खाता है तो मना नहीं करते, क्योंकि हालात ही ऐसे यार किसी की परचेजिंग पावर ही नहीं है। परचेज पावर ना होने की वजह से लोग जो है बेचारे जो आम तौर से जो पहले अच्छे हालात में थे अब उनके भी हालात नीचे आ गए, उसकी वजह से जो है ना हमने बहुत रिजनेबल प्राइस में माल रखा हुआ है। अब आप ऑफर का कह रहे हैं तो हमने जितने भी हमारे ये फ्रोजन के आइटम है जो हम बेचते हैं इसके अंदर हमने एक ऑफर लगा दी है कि आप जो भी हमारे पास एक फ्रोजन का आइटम खरीदेंगे तो हमने इसके अंदर 1 दर्जन वॉन्टन फ्री कर दिया, यानी प्लस 1 दर्जन वॉन्टन जो 180 रुपये की कीमत का है, 240 की कीमत का है, वो हम एक आइटम के साथ फ्री दे रहे हैं। हम जितना भी होता है, जितनी भी हमारे से हो सकता है कि हम कम मुनाफे पे लोगों को ऑफर करें और वो हमारे पास आएँ और हमसे ले जाएँ सामान, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारी दुकान में खासकर ऐसा नहीं है। तक मैं अपनी दुकान की बात करता हूँ कि पहली बात तो रमज़ान में हम रेट ही नहीं बढ़ाते, रमज़ान जैसे भी वो गुजार लेते हैं, क्योंकि रमज़ान तो बरकतों का महीना है, फिर पूरे साल तो कारोबार चलता है। हम रेट नहीं बढ़ाते, उसको उसी रेट पे चलने देते हैं, उसके बाद जो भी होता है बाद में करते हैं। और इस दफ़ा तो हमने रमज़ान के अंदर ये फ्रोजन आइटम के ऊपर हमने डील लगा दी है कि आप जितने डब्बे खरीदेंगे मुझसे फ्रोजन के, उतने डब्बे में वॉन्टन के फ्री दूंगा 1-1 दर्जन के। ये सर 53 साल हो गए मुझे, 71 में आया था, 70-71 में मैं था। पहले तो हमारे पास एक छोटा सा काम था, हमारा समोसे वगैरह पकौड़े वगैरह बेचते थे वालिद साहब के ज़माने में, लेकिन जब तक वालिद साहब थे 2007 तक जब भी अच्छा खासा काम कर लिया था हमने, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट बना लिया, रेस्टोरेंट भी चल रहा है, फ्रोजन आइटम भी चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा काम नहीं है लेकिन छोटा काम है लेकिन बहुत बरकत वाला है। हम इस वक्त हैं डॉलमेन मॉल के पास, हैदरी में जो डॉलमेन मॉल है उसके बराबर में पुरानी बिल्डिंग है, शॉप नंबर 1-2, शॉप नंबर 6, उसके बाद शॉप नंबर 36, ये सारी दुकानें पुरानी बिल्डिंग में है। इसके अंदर हम इसको चला रहे हैं कारोबार को। उसमें 10-12 आइटम है। उसके अंदर चिकन स्टीक है, चिकन का कबाब है, चिकन का चिलोज है, मक्खन है, दाल है, चावल है, अचार है, सलाद है, कस्टर्ड है, रायता है, पापड़ी है। ये 10 आइटम देते हैं हम इसको 400 रुपये में, 450-450 रुपये में, मतलब जो अभी जो कीमत है। अभी उसकी भी वजह ये है कि चिकन बहुत महंगा है, चिकन 950-1000 रुपये किलो है, 1100 भी हो जाता है, कभी फिर नीचे आ जाता है, बस इसी दरमियान चल रहा है, वरना इसका रेट भी बहुत कम था। अगर आप पिछले 6-8 महीने पहले जाएं तो ये 220-240-250 रुपये की थाली थी, और चावल भी इतना महंगा हो गया, 350 रुपये किलो से कम नहीं है। उसकी वजह से घी तेल इतना महंगा है, 950-1000 रुपये का बड़ा कनस्तर आ रहा है, 600-700 रुपये किलो है। ये सारी वजूहत, फिर गर्म मसाले महंगे हैं, इसकी वजह से हमने फिर भी थोड़ा इजाफा किया, इतना नहीं किया कि भाई बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, उन्होंने बहुत ऐसे पैसे बढ़ाए कि जो हम दूसरे को दे रहे हैं बस उसी पैसों में हम काम कर रहे हैं। कराची वालों को भाई यही पैगाम है, जो हमारे हमारे रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोग हैं फूड वाले, कि भाई कम से कम आइटम कम से कम नफे पे काम करें ताकि लोगों को फेज़ मिले।